अंकुश लगाया जा रहा है कि भाई ये दारू पी के चलाएगा तो मुकदमा इस पर भी होगा, मालिक पे भी चलाया जाएगा, ये भी सरासर गलत है क्योंकि चालक परिचालक अपने हिसाब से गाड़ी चला था, उसका मालिक क्या दोष। तो हम इस तरह से सभी तरह से इन जो इस चीज़ों का विरोध करते हैं। अभी हमारा जो चक्का जाम आज सांकेतिक है, अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी अनिश्चितकालीन हो सकता है, इसके अगर उसके बावजूद भी हम लोग अगर नहीं तो हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मंजूर होना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या हुआ था, जो पिछली बार हमारी हड़ताल हुई थी उसके बाद इसके गवर्नर में हमारे को थोड़ा राहत मिल गई थी, उसमें सरकार ने जो है 2 महीने 3 महीने का टाइम मांगा था कि हम इसका एक मीटिंग एक कमेटी बना के इसके बारे में अपना वो सुझाव सरकार को भेजेंगे, लेकिन इस बीच गलती से एक बस धुमाकोट में गिर गई जिसमें जो है काफ़ी लोग मारे गए, उसमें फिर ये जो है हाईकोर्ट के आदेश आ गए, तो उस हाईकोर्ट के द्वारा इन लोगों ने फिर जो इसको हमारे पे लागू कर दिया गया है। सरकार में इसमें काम कर रही थी लेकिन इसमें हाईकोर्ट के आदेश के आने के बाद जो है ये जो फिर दोबारा लागू कर दिया गया, इस वजह से हमें आज हड़ताल पर जाना पड़ा।